हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है महिंद्रा स्कॉर्पियो पे। यह 2009 मॉडल एमॉक इंजन है। तो आज हम इसका ऑयल चेंज करने वाले हैं। अब जिनके पास स्कॉर्पियो है वो बोलेंगे कि इसके ऊपर का जो इंजन कवर है वो नहीं है बोल के, बट क्या है कि इसका इंजन कवर है ना, कुछ रीज़न की वजह से मैंने निकाला, उसे फिर से डालना है। बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक पे आते हैं। यह है मोटुल का 15W40 5 लीटर का कैन और ये है 1 लीटर का कैन, तो टोटल 6 लीटर। और यह है ऑयल फिल्टर। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एमॉक में ना टोटल 6 लीटर जाएगा, क्योंकि ये 2.2 है ना। ऑयल का कॉस्ट मुझे 2300 कुछ पड़ा और ऑयल फिल्टर 200 रुपीज़ का। तो अब हम गाड़ी के नीचे चलते हैं। ये उसका ड्रेन बोल्ट, ये है 19mm का बोल्ट। इसे हम रिंग स्पैनर या बॉक्स स्पैनर की मदद से ओपन करेंगे। और ध्यान दीजिए कि ओपन स्पैनर का यूज़ हम ना करेंगे, क्योंकि ओपन स्पैनर की वजह से हमारा बोल्ट स्लिप हो सकता है। इसे हल्के से बस टैप करना है, ये ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे ना कि पूरा ऑयल ड्रेन करेंगे, ड्रेन करने के बाद फिर से बोल्ट को लगा लेंगे। एक और चीज़ दोस्तों कि बोल्ट को टाइट करते समय ओवर टाइट नहीं करना है, ओवर टाइट करने से हमारी कास्टिंग टूट सकती है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये राइट कलर का, ये राइट कलर का हमारा ऑयल फिल्टर है। तो इसे ओपन करने के लिए एक स्पेशल टूल चाहिए पड़ता है। ये है वो स्पेशल टूल, ये आपको कुछ मार्केट में 500 रुपीज़ का पड़ेगा। और आपको ये टॉमी चाहिए, इसकी मदद से हम इस ऑयल फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। तो इसे बस यहाँ से डालना है और डाल के बस रोटेट करना है। इसे रोटेट करने से इजीली बाहर निकल जाएगा, नहीं तो ये इजीली बाहर नहीं निकलेगा, आपको तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। एक और चीज़ दोस्तों, जब भी आप ऑयल चेंज करोगे तो कंपलसरी आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना ही है। और एक और कि सिर्फ जेन्युइन ऑयल फिल्टर ही यूज़ करना है। आपको मार्केट में लोकल ऑयल फिल्टर्स भी मिलेंगे, वो कुछ 50 रुपीज़ कम में मिलेंगे, बट आपको मतलब सस्ते वाला नहीं डालना है, आपको बस जेन्युइन वाला ही डालना है, क्योंकि इसकी रेट भी ज़्यादा नहीं है, ये बस 200 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप बस जेन्युइन ऑयल फिल्टर ही डालो। अब ये है हमारा नया वाला ऑयल फिल्टर, ज़्यादा नहीं है, बस 200 रुपीज़ ही इसकी कॉस्टिंग है, महिंद्रा से मैंने लिया है। तो दोस्तों ये जो इसकी ओरिंग है ना रबर की, इसे आप क्या करेंगे ना कि हमारा जो कैन में जो ऑयल है ना, उसका अच्छा ऑयल ना चारों तरफ से लगाएंगे, सो दैट जब हम टाइट करेंगे तो प्रेशर से ड्राई रहने की वजह से वो कट ना हो। अब ये जो ऑयल फिल्टर का जो एरिया है ना, यहाँ पर अभी पुराना ऑयल होगा ना, डस्ट वस्ट होगा, तो इसे अच्छी तरह से अच्छे कपड़े से हम क्लीन करेंगे। तो कुछ मैकेनिक लोग इसे क्लीन नहीं करते, बट आप ट्राई कीजिए कि सब क्लीन करके लो अच्छे से। सबको पूछना है, पूछने के लिए कितना टाइम लगेगा, अच्छे से क्लीन करेंगे तो और भी बेहतर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अब मैं बस इसे अंदर डालूंगा और टाइट करूंगा। और टाइट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप स्पैनर से टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ से जितना मैक्सिमम होगा हाथ से ही उतना मैक्सिमम टाइट करेंगे। अब ये यहाँ से हमारा इंजन ऑयल डलेगा, तो इसे ओपन करके अब हम इसमें इंजन ऑयल को डालेंगे। तो अब डालते समय एक और चीज़ दोस्तों कि अब जो पुराना ऑयल होगा ना हमारा, तो पुराना ऑयल हमारा क्या करेंगे कि हम इधर उधर फेंकेंगे नहीं, मतलब आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बताता हूँ कि मतलब पुराने ऑयल का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, किधर किधर आप लुब्रिकेशन कर सकते हो गाड़ी में या बाइक में। तो ये एक चीज़ का ध्यान दीजिए। अब ये जो नया ऑयल हम जो डाल रहे हैं ना, इसका क्या करेंगे कि पहले जो 5 लीटर का कैन इसे पूरा भरेंगे। देखो सबको पता है कि 6 लीटर ही जाएगा, बट फिर भी 5 लीटर हम पूरा भरेंगे। भरने के बाद एक बार डिपस्टिक काट के चेक करेंगे कि ऑयल की क्वान्टिटी कितनी है, चेक करके फिर हम बाकी का 1 लीटर उस हिसाब से डालेंगे, टॉपअप करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो पूरा 6 लीटर ऑयल बराबर लगेगा इसके लिए, एमॉक के लिए 6 लीटर ऑयल ही लगता है। फिर भी चेक करते करते डालेंगे हम कि कितना, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा और कम भी ऑयल नहीं होना चाहिए, तो ऑयल की जो लेवल है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो टोटल 6 लीटर ऑयल ही बराबर लगा गाड़ी में। मैंने मोटुल का ऑयल यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी मोटुल का यूज़ करना है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मुझे मोटुल इजीली अवेलेबल था मेरे एरिया में, इसलिए मैंने मोटुल का यूज़ किया। आप कैस्ट्रॉल को भी जा सकते हो। अब डिपस्टिक काट के मतलब ऑयल की क्वांटिटी लेवल कितनी है चेक कर सकते हैं। पहले हम इसे क्लीन करेंगे, क्लीन करके हम देखेंगे। ये मैंने क्लीन करके ऑलरेडी डाला था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फुल मैक्सिमम है इसकी ऑयल की क्वांटिटी लेवल, तो मैक्सिमम ही होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए कि हमें किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनानी चाहिए। आखिर में एक और चीज़ दोस्तों कि जो कार है ना, आपको ऑयल डालने के बाद कुछ देर के लिए कार को स्टार्ट करके ना वैसे ही आइडल पे छोड़ना है कुछ देर के लिए, एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, सो दैट ऑयल क्या होगा कि मतलब पूरा ना पूरी इंजन में प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाएगा, फिर आप चला सकते हैं गाड़ी को।